बाद भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं मानते मेरी बात? फोन कर रहा हूँ, उठा रहे क्यों नहीं? ताकि मैं समझा सकूं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्या रीजन हो सकता है? यही कि आप डर गए? आप बुजदिल हैं आरबी, बुजदिल। आपको अपनी बेटी के अपमान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। सुनो मेरी बात चौली, ध्यान से सुनो। एक मिनट के अंदर तुम यहां से नहीं गए तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आउट ऑफ देयर। मंदिर में जूते? अरे मंदिर में जूते पहन के जा रहे? ओ भाई साहब, रूबी जैसी। क्या ये वाकई मेरी खोई हुई बेटी है या बस कोई हमशक्ल? आरती लीजिए। आप शायद गलती से मंदिर में जूते पहनकर आ गए हैं। इन्हें बाहर उतार दीजिए। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है और ना जाने जूते में कहाँ कहाँ से मिट्टी और धूल लगी होती है। इससे पहले आपको कोई और टोकते, आप जाकर वहाँ जूते धो लीजिए। उस तरफ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं राधिका, राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू। और तुम्हारे माता पिता? मेरा मतलब किसकी बेटी है तुम? Thank you.
तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं राधिका, राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू। और तुम्हारे माता पिता? तेरा मतलब किसकी बेटी हो? अरे छोटी बहू जल्दी आओ, भोग लगाए का है। जी महाशय लीजिए पंचामृत लीजिए। मैं सिर्फ पैक्ड योगर्ट खाता हूं। भाई साहब ये जूते आपने रखे हैं यहाँ पे? जी हाँ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कृपा करके जूते वहां उतारिए, फिर भी आपने यहाँ टिका दिया, हटाइए यहाँ से। अरे संभाल के बहुत महंगे हैं। अब हाथ धोना पड़ेगा, अतिथि लगते हो इसलिए कर दिया, वरना हम किसी के जूते को हाथ भी नहीं लगाते। मेरा मतलब राधिका, राधिका आपने भोग खाया? क्या? हमारा मतलब है भोग को ओ की पहली मात्रा और गणित वाला ग, भोग। क्या आपने भोग खाया? जी नहीं यार। आप? हाय राम, बोलो भला, आप हमें नहीं जानते? वैसे हम मोहिनी है, जो राजपुरोहिताइन है ना, हम उसकी जेठानी। हाँ तो फिर आप जानती होंगी राजपुरोहिताइन के माता पिता कौन है? हाय राम, बोलो भला, कैसा सवाल पूछते हैं आप भी, हम सब कुछ जानते हैं, हमारे अलावा कोई और जानता भी नहीं है। देखिए राधिका के पिताजी जो है वो है मनसाराम और उसके माँ का नाम शांति। हाँ क्या वो है यहाँ? हाँ वो तो यही होना चाहिए। माफ कीजिएगा। जिन्होंने बैंगनी रंग का कुर्ता पहना है ना, हाँ वही है मनसाराम। आप चलिए ना हमारे साथ, हम आपको मिला देते हैं। हाय राम, बोलो भला, अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? खैर उन्हें छोड़िए, आप बताइए आपको मनसाराम जैसे वैसे क्या काम है? वैसे मुझे राधिका से काम है। हाँ राम, बोलो बड़ा। देखिए अगर आपको राधिका से काम है ना, तो वो काम आप हमें बताइए। वैसे भी आपने इतना सुंदर सूट बूट सब कुछ पहना, आपको राम जी से बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, हम तुरंत उसे जाकर बता देंगे। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बिना कोई बात खुद को परेशान कर रहा हूं। राधिका तो उस मनसाराम की बेटी है, सिर्फ रूबी की हमशक्ल है, उसकी जुड़वा बहन नहीं। बहुत सत्कार है तुम्हारे मन में, प्रभु तुम्हें सदा सुखी रखे।
अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। आपने अगर हाथ धो लियो, आप भी आकर बैठ जाइए। अच्छा, आपने प्रसाद लिया कि नहीं? एक मिनट, प्रसाद लेकर आइए ना। लीजिए, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए ना। देखिए, प्रसाद को मना नहीं करते। कहा जाता है अगर प्रसाद के लिए एक बार हाथ बढ़ा लो तो कभी भी किसी के सामने किसी भी चीज के लिए हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। लीजिए। राजप्रताइन जी, मेरी स्वर्णा का रिश्ता पक्का हुआ है, इसे आशीर्वाद दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं तुम्हारे नवजीवन के लिए। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें एक सुखी जीवन दे। याद रखना, शादी के साथ फेरे के बाद तुम किसी की पत्नी हो जाओ, पर साथ साथ किसी की भाभी, किसी की बहू, इन सब रिश्तों को तुम्हें अच्छे से निभाना है और अपने परिवार को जोड़कर रखना। आओ, मैं तुम्हें राधा रानी की चुनरी दे देती हूँ, उसे तुम हमेशा राधा कृष्ण का उपहार समझकर अपने पास रखना। आओ। आप आए और हमें खबर भी नहीं, आ रहे हैं यहाँ और जबर जबर भी नहीं। आप लता उषा आशा के पिता है ना? मैं पहचान गया सही, जरा ये तो कहना। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, आप मुझे नहीं जानते। मैं तो लगभग सबको जानता हूँ। हाँ, कुछ व्यवसायी हैं जिन्हें नहीं पहचानता। अरे विष्णुदास, जरा इधर तो आना, रसीद पुस्तिका अपने साथ ले आना। ये व्यवसायी है, दान करने आए हैं, दान लेकर रसीद दे दो, बेचारे थोड़े बौखलाए हैं। कितने की काटो रसीद? क्या, कितने की काटो रसीद? नहीं, थैंक यू। भारी है, आसामी लगता है। अगर ये पैसे मैं अपने पास रख लूं तो? नहीं 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 नहीं, मैना को वचन दिया है कि कभी चोरी नहीं करूंगा। पर ये चोरी थोड़ी है, ये पर्स तो मुझे जमीन पर गिरा मिला। मुझे ये भी तो पता है ना कि इस पर्स का मालिक यही कही है। भगवान, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार बुराई का रास्ता छोड़ दिया तो छोड़ दिया,
मैं इस पर्स के मालिक को जरूर ढूंढूंगा। अरे देखो तो सही, पर्स में कुछ नाम पता हो तो। दामाद बाबू। बाबा आपने भोजन नहीं किया? अब नहीं दामाद बाबू, बिटिया के घर का आयोजन है, भोजन ना करें। बाबा ये भगवान के घर का आयोजन है और ये भोजन उनका प्रसाद। चलिए। प्रसाद तो खाए रहा दामाद बाबू, अब भोजन करने को ना कहो, कछु रीत तो निभाने दो। आप लगता ऐसे नहीं मानेंगे, मैं राधिका को ही भेजता हूँ आपको भोजन खिलवाने के। अरे दामाद बाबू, क्या कर रहा है तू? नहीं सुधरे को, चोरी चकारी शुरू कर दी तूने। मैंने आपको वचन दिया था चोरी चकारी नहीं करेगा। अब आपके आयोजन में तू ऐसा हरकत कर रहा है। अरे बाबा मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये पर्स तो मुझे जमीन पे गिरा मिला, तो मैं यही देख रहा था कि किसका है। बहाने बना रहा है, बहाने बना रहा है। बहना की कसम, मैं यही देख रहा था कि अंदर कोई कागज कुछ है कि नहीं, ताकि पता तो चले कि किसका है ये पर्स, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। बस हाँ ये फोटो मिल गया, देखो। क्या हुआ बाबा? देखो ना तुम्हारे बाबा। क्या हुआ? कुछ नहीं। लो इतनी जल्दी तुम भूल भी गई। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हाँ देख पा रहे हैं आप? कौन? उधर देखिए ना, वो जो कुछ मठ के लोगों के पीछे जो। कौन राधिका? अभी तो ये पता नहीं कौन है, आज ही मैं उनसे मिली और ऐसा लगा जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। तो हो सकता है कहीं देखा हो। नहीं, पहले तो कहीं देखा ही नहीं उन्हें। या तो फिर पिछले जन्म का कोई रिश्ता। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं राधिका। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये जन्म हो, अगला जन्म हो या फिर पिछला जन्म, मैं देव था और तुम मेरी राधिका। और मेरा ससुराल ही मेरा ससुराल और मेरे बाबा मेरे ही बाबा। लो मैं तुम्हें जो बताने आया था वो तो बताया नहीं। राधिका तुम्हारे बाबा भोजन नहीं करते, कह रहे हैं बेटी के घर का आयोजन है, खाना नहीं खाएंगे। उन्हें जाके समझाओ कि बेटी का ससुराल नहीं है, बेटे का घर है।